अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लक्की में लिन मिस्टर लिन को बोलता है मेरा चेला बन जाओ। मिस्टर लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम्हारा चेला बनूं? मुझे पता है कि तुम वॉइस स्टेज में पहुंच गए हो लेकिन प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं 104 साल का हो गया हूँ, अगर मैं इसका चेला बन गया सभी लोग मुझ पर हंसेंगे, ये मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं वॉइस स्टेज में पहुँच गया हूँ, अगर आप मेरे चेले बन गए तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। फिर वो अपने बैग से किताब निकाल कर बोलता है ये अटेंडेंट मास्टरी है, ये किताब की मदद से मैं वॉइस स्टेज में पहुंच पाया हूँ। रोहन वॉइस स्टेज एविल स्पिरिट की मदद से पहुंच गया था लेकिन अटेंडेंट मास्टरी उसी लेवल में पहुंचा देगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपना लिमिट के बारे में पता है, तुम 104 साल के हो और तुम अभी तक भी वॉइस स्टेज में नहीं पहुंचे हो, तुम्हारे पास और भी ज्यादा जिंदगी बचा नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम मेरे चेले हो और तुम्हें सभी के सामने मुझे मास्टर भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक बार सैल्यूट करना है और ये अटेंडेंट मास्टरी तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें सारा अटेंडेंट मास्टरी अपने चेले लोगों को सिखाना होगा जो लिन फैमिली में है। अगर लिन फैमिली ताकतवर और फेमस हो गया एक दिन तो ये मत भूलना कि तुम मेरे चेले हो, क्या सोचते हो तुम? मिस्टर लिन घबराते हुए कुछ देर सोचता है फिर बोलता है मैं लिन जुआन आपको सैल्यूट करता हूँ मास्टर। लिन बोलता है प्लीज खड़े हो जाओ मैं तुम्हें अटेंडेंट मास्टरी देता हूँ अब। मिस्टर लिन वो बुक लेते हुए बोलते हैं शुक्रिया मास्टर। फिर लिन बोलता है अगर तुम्हें याद हो जाएगा ये किताब को जला देना, ये किताब किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तुम अपने आप को पहले सीख लो फिर अपने चेले लोगों को सिखाना। मिस्टर लिन बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर लिन यहाँ वहाँ देख कर बोलता है जियान कहाँ पर है मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर लिन बोलता है वो कल्टिवेट कर रही है पीछे के माउंटेन में, वो अच्छा ही प्रोग्रेस कर रही है और वो कुछ दिन में ही टॉप वेन स्टेज में पहुंच गई थी। वो बोल रही थी कि मुझे कल्टीवेट करना है एक शांति जगह में तो मैं उसे भेज दिया पीछे का माउंटेन में, क्या मैं उसे बुलाने के लिए किसी को भेजूं? लिन बोलता है कोई जरूरत नहीं है मैं जा रहा हूँ उसे डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर लिन बोलता है अभी जा रहे हो? लिन बोलता है हाँ मैं बहुत ही बिजी हूँ। हाँ तुम लोग का बैकग्राउंड का इंटरप्राइज क्या है लिन फैमिली का? मिस्टर लिन बोलता है हमारे क्लाउड माउंटेन का ऑर्गेनाइजेशन एक ही है और उसका नाम है मिथ। लिन बोलता है अच्छा मेरा भी एक इंटरप्राइज है जिसका नाम फेलिन ग्रुप है और मैं अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। लिन फैमिली के कुछ लोग मेरे फेलिन ग्रुप में भी है। मिस्टर लिन बोलता है फेलिन ग्रुप ये तुम्हारा इंटरप्राइज है? लिन बोलता है हाँ तुम्हारा पहला सीनियर मेरा सिक्योरिटी का इंचार्ज है और दूसरा सीनियर मैनेजमेंट का इंचार्ज है। मिस्टर लिन शॉक्ड होकर बोलता है मेरा दो सीनियर है मैं सबसे बूढ़ा नहीं हूँ। लिन बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही बूढ़े हो तो तुम पहले सीनियर बनना चाहते हो लेकिन फेंगलिंग सेक्टर में सीनियर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पहले ज्वाइन होता है वो पहला सीनियर होता है। मैं सही से बोलूँ तुम मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हो, मैं अब जा रहा हूँ यूलिंग में, मैं तुम्हारे सीनियर लोग को भेज दूंगा तो तुम बैम्बू टी हाउस में खोज लेना अगर तुम्हें ज़रूरत है तो। मिस्टर लिन बोलता है मैं समझ गया। फिर वो कुछ देर में फेलिन ग्रुप में पहुंच जाता है। फिर से लिन को बोलता है ये लिस्ट मैंने बना लिया प्लीज़ इसे देख लीजिए एक बार। लिन वो लिस्ट को देखकर बोलता है ये उतना भी बुरा नहीं है अभी के लिए ये ठीक है। फिर से बोलता है लेकिन सर इतने सारी कंपनी को खरीदने के लिए हमें कम से कम 20 मिलियन का पैसा चाहिए। लिन बोलता है यहाँ पर पैसा कोई दिक्कत नहीं है और मेरा अपना तरीका है, सबसे पहले मेरे लिए एक क्लिनिक खोल दो। सी बोलता है कहाँ पर? फिर वो अपने मन में बोलता है कि क्लिनिक से कितना पैसा कमा पाएंगे। लिन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है अच्छा फेरी डॉक्टर के क्लिनिक के सामने लगाओ। फिर हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद फेरी डॉक्टर के क्लिनिक में। वहाँ पर कौन भी आकर बोलती है बहन मैंने सारा जड़ी बूटी सुन ली हूँ, हमारे क्लिनिक के बाहर एक नया क्लिनिक खुल रहा है, पता नहीं वो लोग क्यों हमारे क्लिनिक के इधर खोल रहा है, क्या वो लोग हमारे बिजनेस को खत्म करने वाले हैं? फेरी डॉक्टर बोलती है चिंता मत करो इसके बारे में, जब तक हमारा रेपुटेशन बना रहेगा कोई भी हमारे बिजनेस को ख़त्म नहीं कर सकता। कौन भी बोलती है तुम बहुत ही दिल की अच्छी हो बहन, वो लोग आपको कितना तंग कर रहे हैं लेकिन आप कितने शांत हो। वो इंसान जो स्ट्रीट के बगल में ही क्लिनिक खोला है वो कुछ करना ही चाहता है। फेरी डॉक्टर बोलती है मैं इतने दिल की शरीफ नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने मेडिकल स्किल में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, कोई भी हमारा बिजनेस को ख़त्म नहीं कर सकता है। फिर उसी समय वहाँ पर लिन आकर बोलता है कोई है क्या? क्वान भी बोलती है वेलकम। लिन बोलता है बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिला हुआ, तुम लोग कैसे हो? क्वान भी उसे देख कर गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो? लिन बोलता है तुम्हें तो पता ही है मेरा मेडिकल स्किल के बारे में, अगर मैं बीमार होऊंगा तो मैं अपना इलाज खुद ही कर लूंगा, मैं यहाँ पर अपने पड़ोसी को हेलो बोलने आया हूँ। क्वान भी बोलती है क्या पड़ोसी? गुस्सा होकर बोलती है इसका मतलब? लिन तभी बोलता है
हाँ, मैंने तुम्हारे सामने एक क्लिनिक खोला है, मुझे इसके लिए तुम्हारा एडवाइस की जरूरत है। क्वान भी गुस्से से बोलती है, कमीने कहीं क्या, तुम हमारा बिजनेस को खत्म करना चाहते हो। गु बोलती है, हम लोग तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं, क्यों तुम हमें परेशान करते रहते हो। लिन हंसते हुए बोलता है, कुछ गलत मत समझो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस को ख़त्म करने के लिए नहीं आया हूँ। हम लोग का पेशेंट सेम लेवल का नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हें हेलो बोलने के लिए आया हूँ। अगर कोई पेशेंट तुमसे ठीक नहीं होता है तो तुम उसे मेरे क्लिनिक में भेज देना, फिर मिलता हूँ। फिर वो चला जाता है वहाँ से। क्वान भी शॉक्ड होकर अपनी बहन को बोलती है, अब हम लोग क्या करें बहन, उसका मेडिकल स्किल बहुत ही हाई है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्लिनिक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। गु बोलती है, कोई बात नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर अपना रंग दिखाने आया था, हमें उसका परवाह नहीं करना चाहिए, वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा। क्वान भी लिन के क्लिनिक के सामने पहुँच जाती है। लिन क्वान भी को देख लेता है और बोलता है, दरवाजे के सामने मत खड़ी रहो लड़की, तुम मेरे बिजनेस में दखल दे रही हो। क्वान भी हंसते हुए बोलती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय टेबल के, क्या तुम सही में यहाँ पर बिजनेस करने आए हो। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और क्वान भी को बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप लिन फिंग हो। लिन बोलता है, मैं हूँ, क्या तुम डॉक्टर को देखने के लिए आए हो। वो आदमी बोलता है, अच्छा, मैं सुना कि आप हर तरह के डिजीज को ख़त्म कर देते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। लिन बोलता है, हाँ, मैं हर तरह के रोग को ठीक कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो आदमी बोलता है, पैसा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर डॉक्टर दिखाने आया हूँ। लिन बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही कंडीशन में ठीक करूंगा, तुम्हें अपना आधा प्रॉपर्टी मुझे देना होगा। वो आदमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आधा प्रॉपर्टी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, अगर मेरे पास 2 मिलियन वन होगा तो मुझे 1 बिलियन वन देना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ तक कोई स्कैम भी करता है वो भी इतना नहीं लेगा, कैसे स्टाइजर मुझे इतना खराब डॉक्टर के पास भेज दिया। लिन बोलता है, ऐसा मौका एक ही बार मिलेगा, तुम्हारा टेस्टिकल कैंसर ठीक नहीं होगा, अगर उसे निकाल भी दिया तो फिर मैं ही उसे ठीक कर पाऊंगा। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, ये नामुमकिन है, मैंने किसी को नहीं बताया इस बीमारी के बारे में, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया। लिन बोलता है, मैं तुम्हें एक ही बार देखकर बता दूंगा कि तुम्हारा टेस्टिकल कैंसर एडवांस लेवल में है। फिर वो आदमी लिन के करीब आकर बोलता है, क्या तुम सही में मुझे ठीक कर पाओगे। लिन बोलता है, बेशक, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। फिर वो आदमी घबराते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे अंडे को काटोगे तो नहीं ना। लिन बोलता है, मैं इसे बिना काटे ही ठीक कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी आ जाएगा वापस, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को ठीक करने के लिए आधा प्रॉपर्टी ठीक है ना, तुम्हें क्या लगता है ये अच्छा डील है कि नहीं, तो बताओ मुझे तुम्हारे पास कितना पैसा है। वो आदमी बोलता है, मेरे पास 4 बिलियन वन है, मैं माइनिंग बिजनेस करता हूँ टर्की में। लिन बोलता है, अच्छा, तो मुझे 2 बिलियन वन पे करो, फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करूंगा, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो एक भी पेनी मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगा। वो आदमी बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। क्वान भी ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है और फिर गु को बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ सिस्टर, मेरी बात सुनो, लिन फेंग सही में एक ठड़की है। गु बोलती है, क्या हो गया। वो अपने पेशेंट से आधा प्रॉपर्टी चार्ज कर रहा है, वो सही में लूट मार कर रहा है यहाँ पर। गु बोलती है, वो है, इसमें अजीब क्या है, जब उसका पेशेंट लड़का होता है तो वो पैसा मांगता है, अगर कोई पेशेंट उसका लड़की होती है तो उसका बॉडी मांगता है, लेकिन मुझे याद है वो एक आदमी का भी बॉडी लिया था जिसका नाम एनी था। क्वान भी बोलती, फिर हाँ मुझे याद है कि मैं उसे पूछी थी लिन फेंग उसे ठीक करने के लिए क्या मांगे उससे। एनी के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि लिन फेंग उसका बॉडी लिया है। गु बोलती है, तो शायद मुझे लगता है कि वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। क्वान भी बोलती है, ओ मैं समझ गई, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है लेकिन वो दिमाग से कमज़ोर है। अचानक से मुझे उसके लिए बहुत ही दया आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद, फिर वही आदमी रोते हुए लिन को बोलता है, डॉक्टर लिन आपका बहुत ही शुक्रिया, मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं निकला है। डॉक्टर भी बोल रहे थे ये बहुत बड़ा चमत्कार है, आपका बहुत ही शुक्रिया। लिन बोलता है, तो कैसा रहेगा आप पेमेंट कर दो। वो आदमी बोलता है, 2 बिलियन वन कोई दिक्कत नहीं, आपने मुझे और मेरे भाई को बचा लिया, ये बहुत ही अच्छा सौदा है। फिर वो 2 बिलियन वन पे कर देता है, ऐसे ही बहुत लोगों का वो मदद कर उसका आधा प्रॉपर्टी ले लेता है। फिर लिन सी को फोन लगाकर बोलता है, मैंने इस महीने में 30 बिलियन वन कमाया है, इतने पैसे सही है ना, तुम सारे कंपनी को खरीद सकते हो ना इसमें। सी बोलता है, बहुत जल्दी पैसे कमा रहे हो, मैं अपने जेट के बिजनेस के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। लिन बोलता है, इतना भी तारीफ मत करो, मेरे क्लिनिक के बारे में सारे अमीर इंसान को बता देना, फिर मैं और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा सारे कंपनी को खरीदने में। सी बोलते है, समझ गया सर। फिर लिन का बात खत्म हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, अब समय हो गया,
इसे बंद करने का। अपर क्लास के सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है। अगर टैंक फैमिली को ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगा।